मैं नीचे था और मुझे आवाज आई है कि मेरी मुर्गी ने अंडा दिया है। हाय हाय अंडा। लेकिन पड़ा कहाँ है, नजर तो नहीं आ रहा अभी फिलहाल। ओ यार मेरा शक था और कुछ नहीं, अंडा नहीं यार। हेलो गाइस, वेलकम टू एनएफएल व्लॉग। यार मेरे पीछे आप कोई आवाज़ सुन रहे हैं, ढोल की शादी हो रही है या किसी की, लेकिन मुझे खुद ही खुशी पता क्यों हो रही है, मुझे नहीं बुलाया यार। मुझे बुलाते ना फिर ज़्यादा मज़ा आता यार, मुझे तो शादी पर नहीं बुलाया। चलो कोई बात नहीं, मैं इनके तो खाने के लिए कुछ चीज़ें ले आया हूँ। ये इन्हें डाल देते हैं, ये गोभी के छिलके हैं, खाओगे? किस किस ने खाने हैं यार? आज सुबह ना मैंने कुछ भी नहीं डाला खाने को। ये लो खाओ और ऐश उड़ाओ, अब दूसरे भी इसी में से खा लेंगे। और ये रोटियां ये भी इन्हें डाल देते हैं, लेकिन ना ये थोड़ी से एहतियात से डालूंगा क्योंकि मैं हमेशा अपने रैबिट्स पर डाल देता हूँ। रात पैरेट है ना, ये मुंह देखते रह जाते हैं। आज आधी इन्हें डालेंगे, बल्कि पहले उन्हें डाल दें, ये ना हो फिर मैं वो इतने जोर से खा रहे होते हैं ना, मैं जो डालता जाता हूँ सारे उन्हें डाल देता हूँ और ये बेचारे फिर भूखे रह जाते हैं। ये ले यार आज एक रोटी मैं तुम्हें दूंगा पूरी। ये मैंने एक रोटी ना इन्हें डाल दिया, अब ये खाएंगे, जो बचेगी वो नीचे से रिंग नेक खा लेगा। चलो ये एक रोटी भी है, खा लेना। यार गाइस जो मेरी कोयल है ना, इतनी एक्टिव हो गई है ना, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और निकलने लग जाती है। ये इतनी मशाल एक्टिव हो गई है ना, जब मैं लेके आया था ये इतनी ढीली लूली होती थी ना बेचारी, यहीं पर बैठी रहती थी और ना हिल सकती थी। अब तो खैर मैं से पकड़ूँ ना और ये हाथ में भी नहीं आती, इतनी एक्टिव हो गया है। और जब मैं लेके आया था ना वो उस दिन ताज़ी ताज़ी आई थी और ये मेरे ख्याल में लाहौर से आती है तो एक्सपोर्ट हुई थी उस दिन, तो बेचारी है ना हिल भी नहीं सकती थी। मैं इसे घर ले आया, इसे मैंने खाने पीने की चीज़ें देखी। इस टाइम भी इसके अंदर, इसके बर्तन के अंदर ना इस टाइम मकाई बड़ी बची हुई है और ये खा रही है इस टाइम भी, और इतनी एक्टिव हो गई है ना मुझे लगता है अब ये नियरली इस वाला ब्रीड करने के। और अब मैंने इसकी ब्रीडिंग बॉक्स बना लिया यार, मैं अपना हाउस इनका बना रहा हूँ, वो भी अभी तकरीबन आधा कंप्लीट हुआ है। अभी बहुत सारा इसका भी काम पड़ा है, इसके आगे इसका प्ले ग्राउंड बनाना है, फिर जाके ये कंप्लीट होगा और उसमें फिर ये करेगी ब्रीड। अब मैंने ये सुना कि कोई भी अगर प्रॉपर जगह ना हो ना कोई ब्रीडिंग करने की तो ये कभी भी ब्रीड पर नहीं आती, तो अभी इसके हमने जगह बनानी है प्रॉपर, फिर ये ब्रीड पर आएगी। यार गाइस आप इसका बॉक्स देखें, मेरे ख्याल में आपको नजर तो नहीं आ रहा होगा, वैसे ना ये इसका बॉक्स कंप्लीट है, उसका भी कंप्लीट है, लेकिन ना इनको पता नहीं क्या है। हालांकि मेरे ख्याल में इन्होंने अंडे भी दिए हुए, लेकिन फिर भी ये अपना जो नेस्टिंग मटेरियल है ना ये फिर भी अंदर लेके जाते हैं रोजाना अंदर लेके जाते हैं नेस्टिंग मटेरियल। यार तुमने जब अंडे दे दिए फिर क्या काम है तुम्हारा नेस्टिंग मटेरियल दोबारा अंदर लेके जाने को? भाई बस का तो खत्म कर दो आप ये काम, अभी भी इनकी कंस्ट्रक्शन जारी है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है भाई, तुमने एक घर बना लिया अपना, खत्म करो काम, फिर उसमें अंडे दो अपने, ब्रेड करो खत्म, और ये अभी तक अंदर लेके जा रहे हैं। मेरे ख्याल में जो नेस्टिंग मटेरियल बचा हुआ है ना बकिया, ये सारा मुझे उठा लेना चाहिए और फिर ये तरीके से अपने घर खत्म कर देंगे बनाना, और फिर उन्हीं अंडों को हेज करेंगे आराम से। यार अंडे हेज करो, बच्चे निकालो, मुझे बच्चों से घर से बच्चों से। यहाँ जो नीचे से आपको पांचवी डोली नजर आ रही है ना, पहले इसमें अंडे नहीं थे, लेकिन अब मुझे लगता है इसमें भी अंडे आ गए हैं, क्योंकि पूरा दिन ना फीमेल इसके अंदर बैठी होती है, पहले नहीं बैठी होती थी, अब पहले इन तीन में फीमेल थी और बाकी आखिरी वाले में नहीं होती थी, अब उसमें भी ना फीमेल जाने लग गई है और जाने भी लग गई है और बैठने भी शुरू कर दिया उसने, मुझे लगता है अब उसने भी अंडे दे दिए हैं उसके अंदर। ओए यार कहाँ घुस गया यार, ये निकल नहीं सकेगा अब यार, अंदर घुस गया। अस्तगफिरुल्लाह यार, इतनी सी जगह है, इतनी सी पतली सी देखें, इतनी सी जगह है और इसके अंदर ना वहाँ पर वो पीछे पाइप तक पहुँच गया था। मैंने कहा ये आज मर गया, मुझे नहीं लग रहा था कि ये अब निकलेगा, और मैं इसे पकड़ के खींचता ना ये बल्कि इसने फंस जाना था और गंदा तरीके से, शुक्र ये खुद निकल आया है भाग के। ये ना जो बची हुई है ये भी खा लो, ब्लैक शैतान को दे देता हूँ, ये भी शौक से खाता होता है रोटी। जब मेरी मुर्गियों ने ना दो दिन से एक हड़ताल की हुई है, एक भी अंडा नहीं दिया। यहाँ पर अंडा पड़ा होता था, इतना खुश होता था ना मैं आके ऊपर, इतना खुश होता था ना आज। अब मैं नीचे था और मुझे आवाज़ आई है अंडे की, कुट 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 कुट, मैंने कहा बस अंडा दिया हुआ है, वो देखे पतंग आ रही है, ओह उड़ गई, मैंने कहा शायद काट के आ रही है, मैं उसे पकड़ लूँगा, लेकिन मुझे शौक भी नहीं है। खैर वैसे भी यार, अच्छा मैं आपको बता रहा था, मैं नीचे था और इन्होंने आवाज़ दिया मुझे कि हमने अंडा दे दिया, मैं ऊपर आया हूँ और इन्होंने अंडा नहीं दिया। यार अब बताएं मुझे मैं इनका क्या करूँ, चार मुर्गियाँ एक अंडा भी नहीं दे सकती जिनका, आज इन्होंने नहीं दिया, कल भी एक अंडा भी नहीं दिया इन्होंने, मैं क्या करूँ इसका? कोई अंदर क्या करने आया, भाग यहाँ से, अब ये पता चल सक होने का वाला है, भाग यार। एक तो आज इसने पता क्या हरकत की है, जो मेरी मुर्गियों की खुराक पड़ी होती है ना उसको गिरा दिया और इतनी सारी इन्होंने खा लिया आज खुराक, इतनी सारी इन्होंने एक ही दफ़ाई में खा लिया, और अब ये अंदर आया हुआ है, पता नहीं क्या करने, भाग यहाँ से भाग। यार ये अपने नेस्ट पर ही बैठती है हमेशा, ये अपने ना इसी पर बैठती है, अपने नेस्ट पर बैठती है और आराम से बैठी रहती है, पूरा दिन बैठी रहती है यहीं पर, लेकिन करती कुछ भी नहीं है ये भी। लेकिन ये है ना, ये तो अपने नेस्ट पर जाती भी नहीं है, ये बस यही नीचे बैठी रहती है और कभी कभी ऊपर जाए तो जाए, वरना बहुत बहुत कम, बहुत कम ऊपर जाती है, पता नहीं क्यों। एक दिन नेस्ट पर गई है और अपने नेस्ट को सारा खराब करके आ गई है नीचे, अब काफ़ी सारा वो बिगड़ा पड़ा है, बल्कि पहले इतना प्यारा था, अब उसको खराब भी इसने कर दिया और वहाँ तक जाती भी नहीं है, फिर अंदर आ गया। यार ये देखें फटते है ये बेचारा,
कितना खा लिया है ना जिसने, जो इसकी ये देखें ये जो जगह ना खाने वाली मोटी, इसके पेट के हिसाब से कितनी ज्यादा बड़ी लग रही है यार, मुझे लगता है मरना चाहिए अब बेचारा। ये देखें ये पड़ी हुई थी मुर्गियों की खुराक, इसने गिरा दिया नीचे, बाकी चूजे ना ऊपर से आ तो जाते हैं लेकिन वो नहीं आए, सिर्फ यही आया हुआ था जब मैं ऊपर आया हूँ। और इसका भशर देखें, ये देखें ये इसका पेट है और बाकी ये इसका जिस्म है। देखें पेट इसने कितना लटका हुआ, जैसे वो बहुत ज्यादा मोटे बंदे होते हैं ना और वो बहुत ज्यादा खा ले फिर उनका पेट ऐसा वजनी हो जाता है, उसका भी ऐसा यही हाल हुआ पड़ा है और ये चल भी नहीं सक रहा, बहुत मुश्किल से ऐसा लगता है मुझे। इसको वहाँ पर ठहरा देते हैं, मुझे लगता है पानी पीना पड़ेगा इसे थोड़ा सा यार, पता नहीं अब ये क्या होता है इसका। शुक्र यार अभी है तो फिलहाल एक्टिव, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका पेट मोटा हो गया हूँ, मुझे डर लग रहा है कि इसे कुछ हो ना जाए। फिर गाइस मैंने सोचा था कि इसका पेट भर जाएगा और ये उसको मैंने वहाँ पर छोड़ दिया और ये पानी पी लेगा, लेकिन ये वहाँ पर नहीं जा रहा और इसका दोबारा यहाँ पर आ गया और खा रहा है। पता नहीं इसका क्या बनेगा यार, अब पता नहीं क्या बनेगा। इसका पानी भी इसे नहीं पिया और इसका पेट देखिए अब कितना बड़ा हो गया है और ये वही आके ये देखें ये खुराक गिरी पड़ी है और यही खुराक खा रहा है बार बार। पता नहीं यार आप इसके लिए दुआ कीजिएगा आप, मुझे मुश्किल लग रहा है यार ये। इसको मैं वहाँ पर छोड़ता हूँ कि ना खाए, अब मैं ऐसा करता हूँ इस खुराक को ना अच्छी तरह ना इकट्ठा कर लेता हूँ और शापर में डाल के ना शापर ऊपर लटका देता हूँ ताकि इसको ना खा सके। वैसे तो मेरे फिशर है ना, इन्होंने तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड की हुई है और उसमें अंडे भी दिए हुए हैं और बच्चे भी इनके जल्द निकल आएंगे, लेकिन जो लोटिनोज है ना इनको पता नहीं क्या है यार। एक ये देखिए वो बैठे हैं, बाकी दो इधर बैठे हैं, तीन लोटिनो है मेरे पास टोटली, तीन लोटिनो है ज्यादा नहीं है ठीक है ना। बहर इनके लिए मैंने दो बॉक्स लगाए हुए, एक बॉक्स में एक पैर भी अगर ब्रीड करना स्टार्ट कर देगा ना ये भी पिंजरा भर देगा मेरा, लेकिन वो ब्रीड स्टार्ट कर ही नहीं रहा, कर ही नहीं रहा, कर ही नहीं रहा। पता नहीं क्या है यार, पता नहीं सारे मेल्स हैं फीमेल्स हैं इनको मसला क्या है यार। एक अगर एक पेयर भी स्टार्ट हो जाए ना मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन एक पेयर भी स्टार्ट नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में मेरे पास एक पेयर था और एक लोटी में एक्स्ट्रा था, एक कुछ हफ्ते पहले मर गया था, वरना मेरे पास चार लोटियों थे, दो पेयर थे। अब पता नहीं यार क्या हो गया, चलो एक ही मर गया तो फिशर दो, चलो एक भी मर गया, बाकी एक पेयर तो कंप्लीट होता है ना, वो तो ब्रीड करे, पता नहीं क्या है क्यों नहीं करता। अंदर जा घर के अंदर जा, घर के अंदर जा, अंडों को हेज कर, अंडों को हेज कर। यार अंडे इसने दे दिया और अंदर जाने का नाम तक नहीं लिया तक इसने, पता नहीं क्या मसला क्या है इसको। यार मैं हर शाम को अपनी मुर्गियों को आटा डालता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आज इनको आटा ना डालूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं रोजाना आटा डालता हूँ और इन्होंने अंडा देना छोड़ दिया है। पता नहीं क्या मसला है, शायद मेरे अंडों देने की वजह है या पता नहीं क्या है, आज मैंने आटा नहीं डालता और कल देखूंगा क्या प्रोग्रेस है। अगर कल इन्होंने अंडे दे दिए ना इसको मतलब, क्योंकि जिस फार्म से मैं लेके आया हूँ ना वो आटा नहीं डालते थे, उनसे मैंने पूछा आटा, उन्होंने कहा नहीं मैं आटा नहीं डालता वरना ये ज़्यादा खा लेते हैं और फिर ना इन पर चर्बी आ जाती है ना फिर ये अंडा देना छोड़ देते हैं। तो मैं आटा डाल रहा हूँ, हो सकता है इस वजह से अंडा देना इन्होंने छोड़ दिया। मैं आज इनको आटा नहीं डालता, कल इनको सिंपल वही फीड डालूंगा जो मैं उनके बर्तन में सुबह डालता होता हूँ, वही डाल के ना फिर देखूंगा। अगर ये अंडे देती हैं एक दो दिनों तक तो ठीक है, अदरवाइज अगर फिर भी नहीं देती ना फिर आटा देना स्टार्ट कर दूंगा दोबारा से, खैर इनकी मर्जी फिर अल्लाह का वास्ता है। यार सारे नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं और ये वहाँ से रूठ के वहाँ पर गया बैठा, पता नहीं इसको मसला क्या हो गया है, वहाँ पर गया बैठा और कहता है यार मैं उनसे बड़ा हूँ ना मैं उनके साथ नहीं खा सकता। ये देखिए बाकी माशाल्लाह प्यार से खा भी रहे हैं, क्या करता है क्या करता है कर क्या करता है क्या क्या हो गया। चने खाओगे खाओगे चने, रुको एक मिनट देता हूँ। ये मैंने चने निकाल लिया, मेरे ख्याल में चने भी चार ही आए हैं क्योंकि तोते भी चार ही हैं। ये लो मिठू खाओ चना, शाबाश आप भी खाओगे, ये लो खाओ। ये मुझे लगता है यार ये फीमेल है, पता क्यों इसका मुंह देखे ना इसे पतला सा है, बाकी ये जो है ना ये मुझे मेल लगता है। वो देखिए यार आधा चना गिर गया, कैसे उठाया उसने। खैर ये जो छोटी तीसरा चना है ये अब खिलाऊंगा मैं अपने गाने वाले तोते को, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार देख रहे इसे आप छिलका देखना, आप इसे इतने प्यार से खाते हैं ना, बिना जाया किए छिलका उतारते, बिना जाया किए उसको अपने मुँह में डालते और बिना जाया कर रहे हैं ना फिर खा लेते उसको। इतना टैलेंट होता है इनके पास माशाल्लाह यार खाने का कि ये जाया बिल्कुल भी नहीं करते। उन्हें पता है एक चन है और उनके एक सोच है, ये ऐसे है कि जैसे दो हाथ के अंदर हमारे मूंगफली हो और उसी दो उंगलियों से हमने खोलनी भी हो और छीलनी भी हो और फिर उसका ब्लैक वाला जो छिलका होता है वो भी उतारा और फिर खानी भी हो, ये उसी हिसाब से खाता है और वो भी बिना जाया किए। आपके लिए आधा चना रह गया, यही खा लो आप, कोई बात नहीं नाराज ना हो, ये ले खा ले आज खा लो, कल पूरा दे दूंगा आपको। यार जब से मैंने चूज़ों को अपने रैबिट्स के साथ छोड़ा है ना ये तब से वही चीज़ें बिल्कुल खाने लग गए हैं जैसे जो मेरे रैबिट्स खाते हैं। यार ठीक है तुम चूज़े हो तुम कुछ और खा लो, नहीं बिल्कुल वही चीज़ें खाते हैं जो मेरे रैबिट्स खाते हैं। अब देखे मैंने बंद गोभी ने डाली है और बंद गोभी मेरे चूज़े खा रहे हैं, यार पता नहीं उसका हाल कैसा है, वो जो अभी अभी इतना ज़्यादा खा लिया था उसने, मेरे ख्याल में वो नीचे गया हुआ है और बेचारा वहाँ पर जाके बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा खा लिया यार उसने। अब मैं मेरे ख्याल में स्वीट को मैं अभी से ऊपर लटका दूँ, ये ना आज फिर मैं भूल जाऊँ और कल फिर ये हमला कर दें और इस पर हल्ला बोल दें। यार ये अंडे के छिलके पड़े हुए हैं ये भी मैंने अपने मुर्गियों को डालने थे, लेकिन अभी फिलहाल ना पता नहीं क्यों मैं नहीं डाल रहा, इनको पीसना है और फिर उनके बाद मुर्गियों के खुराक में डाल देना। हो सकता है यही रीज़न हो इनके अंडे ना देने की कि हमारे अंडे हमारे लिए लेके आए थे ऊपर लेकिन हमें दिए नहीं या संभाल के रख दिए ऊपर। यार ये पीस के इनकी खुराक के अंदर डाल दूंगा ना, इनका कैल्शियम की फिर जो कमी है ना, अगर इनकी कैल्शियम की कमी हुई तो वो पूरी हो जाएगी एग्जैक्ट। तो ठीक है चूसो अपने साथियों का ख्याल रखिएगा, वो जो आपका साथी बीमार हो गया वो नीचे गया बैठे उसका भी बाहर ले और उसका सेट कर दो। तो आज के व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू एक्टिविटी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।